अगर कोई सवाल पूछता है और हम बोलेंगे कि हमें उसका जवाब पता नहीं, तो लोग हमें बुद्धू कहेंगे। और वहीं पर प्रश्न के पार उतर दिया तो फिर भी लोग कहेंगे कि भाई जितना पूछा है सिर्फ उसी का जवाब दो। मतलब अजीब बात है लेकिन सच सच है। है। और मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं बल्कि स्मार्टफोन्स को भी अप्लाई होती है, क्योंकि कंपनियां अगर उनकी फोन्स में अच्छी फीचर्स नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो मार्केट में फेल हो जाएंगे। लेकिन कुछ फोन्स है जो अच्छी खासी नेक्स्ट जनरेशन वाली फीचर्स के साथ आती थी लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं हुए। तो इस वीडियो में 2010 से 2020 तक आया हुआ इनोवेटिव स्मार्टफोन्स के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन्स को, मतलब जो स्मार्टफोन्स कंज्यूमर मार्केट में रिलीज नहीं हुआ, उनके बारे में जानते हैं। नंबर वन, गूगल प्रोजेक्ट आरा। यस, ये हम सभी का गुरु गूगल का कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन है। 2013 में गूगल ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और इसका स्पेशलिटी है ये मॉड्यूलर डिजाइन। मतलब अगर आप इस साल फोन खरीदेंगे तो वो मोस्टली 3-4 साल होने के बाद स्लो हो जाएगा। तो आप नया फोन में नया फीचर्स और अपडेटेड प्रोसेसर मिलती है इसलिए नया फोन खरीदने के लिए चाहोगे। पर ये आरा फोन ऐसा नहीं है। एक बार खरीद लिया तो बहुत साल चलेगा। लेकिन वो कैसे? तो इस फोन में एक मेन फ्रेम होती है और उस फ्रेम को सारा फोन का मॉड्यूल, मतलब कैमरा, डिस्प्ले, प्रोसेसर, स्पीकर, ये सभी मॉड्यूल्स अटैच होती है। तो अगर आपको कैमरा से ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो कैमरा मॉड्यूल को निकाल के एक और बैटरी मॉड्यूल को अटैच कर सकते हो। और प्रोसेसर स्लो लगा तो पुराना प्रोसेसर निकाल के नया प्रोसेसर मॉड्यूल डाल सकते हो। तो इस तरह ये फ़ोन कस्टमाइजेबल के साथ फ्यूचर प्रूफ भी था। अगर ये डिवाइस मार्केट में रिलीज होकर सेल्स अच्छा होता तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कम हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली गूगल ने इस प्रोजेक्ट को 2016 में कैंसिल कर दिया। कारण, एक, इस डिवाइस का थिकनेस ज़्यादा था और दूसरा, इस डिवाइस का डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स था, इसलिए इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा था। तो इन कारणों से गूगल ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। पर कुछ सोर्सेस कहते हैं कि गूगल ने इस प्रोजेक्ट को 2019 में मेजर रिवीजन किया है। देखेंगे क्या होगा। अच्छी प्राइस और फीचर्स के साथ मार्केट में आएगा तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। नंबर टू, लेनोवो स्मार्टकास्ट। प्रोजेक्टर को थिएटर में, स्कूल में और ऑफिस में देखा होगा, लेकिन क्या फोन में देखा है? हाँ, सैमसंग का बीम फोन में देखा होगा, लेकिन इस लेनोवो स्मार्टकास्ट का प्रोजेक्टर उससे बढ़िया है। बिकॉज ये डिवाइस प्रोजेक्ट करने वाले कंटेंट को देखना ही नहीं, उसके साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। डिवाइस के नीचे रहने वाला प्रोजेक्टर मिरर मॉड्यूल को टर्न करेंगे तो ये फोन सरफेस मोड या टेबल मोड में चला जाएगा। तब टेबल के ऊपर कंटेंट प्रोजेक्ट होगा और हम उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पियानो बज सकते हैं, टाइप कर सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं। यह संभव है क्योंकि डिवाइस में रहने वाला सेंसर्स हमारे हाथ की मूवमेंट्स को ट्रैक करेगा और ये डेटा को प्रोसेसर रियल टाइम प्रोसेस करेगा। इसलिए जब हम प्रोजेक्टेड स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तब हमें फोन स्क्रीन यूज करने जैसा ही लगता है। क्रेजी है ना? 2015 में लेनोवो ने इस अमेजिंग प्रोडक्ट को शोकेस किया था बट इसे कंज्यूमर मार्केट में रिलीज नहीं किया क्योंकि एक, प्रोजेक्टर ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा था और हीटिंग इशू भी था, और दूसरा, प्रोजेक्टर सभी लाइटिंग कंडीशंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, और साथ ही हैंड ट्रैकिंग अच्छा था लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं था। तो इन सभी कारणों से लेनोवो ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। अच्छा था ना ये स्मार्टफोन्स? पर एक ही दुख है कि ये कंज्यूमर मार्केट में रिलीज नहीं हुआ। बट नो प्रॉब्लम, लिस्ट में नेक्स्ट आने वाले स्मार्टफोन्स कंज्यूमर मार्केट में रिलीज हुए थे, अब उनके बारे में जानते हैं। आइए। नंबर थ्री, अमेज़न फायर फोन। हाँ, ये ईकॉम जायंट अमेज़न का पहला स्मार्टफोन था। 2014 में इसको लॉन्च किया था और इसका मेन फीचर है ये डायनामिक पर्सपेक्टिव डिस्प्ले। तो ये क्या है? फोन के आगे 4 कैमरास थे, सेल्फी के लिए नहीं, हमारे सिर को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि इस फोन का डिस्प्ले 3D डिस्प्ले जैसा वर्क होता है। मतलब आप जिस एंगल से देखोगे उसी तरह फोन भी डिस्प्ले करने वाली कंटेंट को चेंज करती है। टेक्नोलॉजी तो एकदम बढ़िया था लेकिन ये मार्केट में सक्सेस नहीं हुआ। बिकॉज एक, इस डिवाइस का दाम बहुत ज्यादा था और साथ ही US में सिर्फ एक नेटवर्क प्रोवाइडर के साथ अवेलेबल था। इसके अलावा इसमें एंड्रॉयड ही नहीं था, खुद अमेज़न का बनाया हुआ फायर OS था। बट प्रॉब्लम ये थी कि इसमें प्ले स्टोर ही नहीं थी, तो यूजर्स को यूज करने के लिए एप्स भी कम थे, इसलिए लॉन्च करने के अगले साल ही अमेज़न ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। नंबर फोर, LG विंग। इस फोन का यूनिक फीचर है 2 डिस्प्लेस, एक 6.8 इंच मेन डिस्प्ले और 3.9 इंच सेकेंडरी डिस्प्ले। ये प्राइमरी डिस्प्ले के नीचे रहेगा। प्राइमरी डिस्प्ले को फ्लिप करेंगे तो ये फोन T शेप में चला जाएगा और ये डिजाइन मल्टीटास्किंग के लिए अच्छा है।
बिकॉज यूजुअली वर्टिकल डिस्प्ले में वीडियो देख के मल्टीटास्किंग करेंगे तो वीडियो फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस नहीं देगा, लेकिन इस डिवाइस में ऊपर का स्क्रीन में वीडियो फुल स्क्रीन में प्ले होता है और नीचे वाला स्क्रीन में हम दूसरे काम कर सकते हैं। इसके अलावा फोन को उल्टा करेंगे तो मेन डिस्प्ले में कीबोर्ड यूज कर सकते हैं और छोटा वाला सेकेंडरी डिस्प्ले में ऐप यूज कर सकते हैं। एडिशनली कैमरा का गिम्बल मोड फीचर और एक मोटराइज्ड कैमरा भी था, लेकिन इस डिवाइस के हाई प्राइस से और LG कंपनी ही मोबाइल डिवीजन से एग्जिट होने से यह स्मार्टफोन फेल हो गया। वैसे LG का होम अप्लायंसेस और कमर्शियल डिस्प्ले बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट शायद स्मार्टफोन बिजनेस में उनका किस्मत अच्छा नहीं था। फाइनली नंबर 5, मोटोरोला मोटो Z। यह एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट स्मार्टफोन डिजाइन है, क्योंकि इस फोन के पीछे 16 पिंस थे। इसको तरह तरह की मोटोरोला मॉड्स को अटैच कर सकते थे। मॉड्स मतलब सेम गूगल आरा फोन की मॉड्यूल्स जैसा ही है। विविध तरह की मॉड्स अवेलेबल थे, स्पीकर मॉड, पावर बैंक, कैमरा, प्रोजेक्टर और एक मिनी प्रिंटर मॉड भी था। ये मॉड्स बेसिकली डिवाइस के फीचर्स को एक्सटेंड करते थे। 2016 में मोटो Z फोन को लॉन्च किया और इसी तरह मोटो Z2, Z3 और Z4 फोन्स को 2017 से 2019 तक रिलीज किया। ये प्रोडक्ट इनोवेटिव होते भी मार्केट में मेजर सक्सेस नहीं हुआ। इसका कारण है, एक मोटोरोला इन डिवाइसेस को ठीक से सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं दे रहा था, और दूसरा ये मोटो मॉड्स का प्राइस बहुत ज्यादा था। उदाहरण के लिए 2020 mAh वाली पावर बैंक मोटोरोला मॉड का दाम लॉन्च टाइम में $79 था, मतलब उस समय में करीब ₹5,000। और वहीं पर मार्केट में 10,000 mAh वाली पावर बैंक्स करीब $30 से $50 में मिलते थे, तो देखा ना कितना एक्सपेंसिव थे। तो इसलिए इस डिवाइस की सीरीज को मोटोरोला ने 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया। तो देखा ना, सिर्फ इनोवेशन करोगे तो काफ़ी नहीं है, उस इनोवेशन को ठीक प्राइस में मार्केट में लाना है, वरना प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो मार्केट में फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके कमेंट्स में आपका फीडबैक दीजिए, और इसी तरह की अमेजिंग टेक कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। इनोवेटिव स्मार्टफोन्स के बारे में जानते हैं, चलिए शुरू करते हैं।